नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज से शुरू हो रहा है बिहार शिक्षक भर्ती। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ निचोड़ आपको अब दिया जाएगा, पूरे कहानी के तौर पे आपको समझाया जाएगा, जिसे आप रटे नहीं और पूरा आसान से आसान भाषा में इस नोट्स को आप बिल्कुल आराम से केवल समझें। एक एक लाइन, यानी यहाँ से आपके जो 15 नंबर बनने हैं वो आपका पूरा फिक्स हो जाएगा, जिसका पार्ट वन आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, एक एक लाइन का आपको अध्ययन करते चलना है। तो पॉइंट टू पॉइंट आप लोग चलिएगा, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन लंबे समय तक संचालित एक प्रमुख आंदोलन था। इस आंदोलन की जो औपचारिक शुरुआत हुई वो 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई। हालांकि दोस्तों, इसके पहले 1857 की क्रांति हुई, लेकिन जो वास्तविक रूप में जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तब से दोस्तों इसकी वास्तविक औपचारिक का मतलब सुनियोजित ढंग से तब इसकी शुरुआत हुई। कुछ उतार चढ़ाव के कारण 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक अनवरत यह जारी रहा। और उसके बाद दोस्तों, अब आगे की बात आपको मैं दिखाता हूँ। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को दोस्तों तीन भागों में बांटा गया है। अब इसको आप बहुत ध्यान पे देखिएगा। उदारवादी चरण, जो कि 1885 से 1905 तक रहा। उग्रवादी चरण, 1905 से 1919 तक रहा। और जो गांधीवादी चरण है वो 1947 तक था। ये दोस्तों पूरा गांधीवादी चरण था। तो आपको पूरा स्टेप से सारी बातें बताऊंगा, एक भी प्रश्न इस नोट्स के बाहर आपका कुछ भी नहीं रहेगा। अब देखिए इसमें क्या है। उदारवादी चरण में इस सुधार का उद्देश्य क्या था, इसमें अनुरोध पत्र व प्रतिवेदन क्या थे, इसके प्रमुख नेता क्या थे, ये भी आप देखो। 1885 से 1905 तक पहला बात तो ये उदारवादी चरण था। इसके प्रमुख नेता कौन थे? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब वजी, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। ये दोस्तों क्या थे, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिसे आप ढंग से देख सकें। उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक चला। इसके प्रमुख नेता फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले थे। जबकि उग्रवादी वो 1905 से 1919 तक चला, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था स्वराज्य को हासिल करना। और आक्रामक संघर्ष रहा ये। प्रमुख नेता कौन थे इसमें दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे और अरविंद घोष थे। आप ट्रिक भी याद कर सकते हो, लाल बाल पाल, जो कि गरम दल के नेता भी ये थे। और गांधीवादी आप लोग देख ही रहे हो, 1947। अब एक बार दिमाग में मेरे साथ ही याद करते चलो, उदारवादी चरण 1885 से 1905 और उग्रवादी चरण 1905 से 1919 और गांधीवादी चरण 1919 से 1947। अब आपको आगे लेकर चलेंगे। इसमें आगे क्या दिया गया है, एक एक पॉइंट समझो। उदार विचारों की राजनीति को उग्रवादियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। यानी जो उदारवादी विचार की राजनीति को जिन्होंने आगे बढ़ाया, उसको राजनीतिक रूप से राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई। इसी चरण में दोस्तों बंगाल का विभाजन भी हुआ, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में हुआ, ये सबको पता है। और ये दोस्तों बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था बंगाल का विभाजन। इसी के कारण दिल्ली दरबार का आयोजन भी हुआ था। पूरी बातें आपको बताएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसका पार्ट वन आज आपको मिलेगा। पार्ट वन आपको रोज़ इससे डेली इस तरह मिलता रहेगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केवल हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट का निचोड़ नहीं देंगे, इस नोट्स का निचोड़ तो मिल ही रहा है, साथ में आपको याद भी करवाते चलूँगा। तो खैर दोस्तों, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, और जिस उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे, और बंगाल के जो विभाजन की घोषणा हुई 20 जुलाई 1905 में हुई। लेकिन जब दोस्तों 20 जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई, तो क्या हुआ, समाज में बहुत ही ज़्यादा रोष व्याप्त हुआ। इससे पहले कि लोग सड़क पर निकलते, बहुत ही कहते हैं कि निर्दयी तरीके से सड़क पर लोग निकलें,
उससे पहले ही 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। समझ गए बात को? यानी 20 जुलाई 1905 को बंगाल को केवल बांटने की बात की गई, जबकि 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? बंग भंग आंदोलन। डैट मीन्स दोस्तों ये बिल्कुल एकदम प्रभावी हो गया। खैर चलिए, तो आपको आगे ले चलते हैं, और इसीलिए इसको शोक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, इसको राखी दिवस के रूप में भी माना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव क्या थे अभी आपको देखना है। इस पर दिल्ली दरबार का मैंने कहा नहीं आयोजन होगा, अब विभाजन रद्द हुआ दिल्ली दरबार के आयोजन में। हुआ क्या? दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, और वहाँ पे बंगाल विभाजन का जो कारण रहा उसको वहाँ पे रद्द किया गया। प्रशासनिक कठिनाई का वास्तविक कारण राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना, तब फूट डालो और राज्य करो की नीति को अपनाना, ये सारी बातें रही। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को विरोध में स्वदेशी बंग भंग आंदोलन चलाया गया। इसी क्रम में अनार सोनार बंगला ये आर्यन टैगोर द्वारा दोस्तों लिखा गया। आर्यन टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर। और 1906 में ही मुस्लिम लीग का दोस्तों गठन भी किया गया। फिर मैं एक बार आपको बता दूं, पूरी बात को एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या दिया गया? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया, प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 में हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर के फिर कुछ सुझाव रहे, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको कुछ दिवस के रूप में माना, शोक दिवस। 16 अक्टूबर को शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। विभाजन को रद्द किया गया 1911 में, चूँकि दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था जिसमें इंग्लैंड के राजा और रानी दोनों आए हुए थे। और बंगाल विभाजन का कारण क्या था वो आपको नीचे दिया गया है। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग आंदोलन चलाया गया, और अनार सोनार, ये एक बड़ा पॉइंट है, की पॉइंट अनार सोनार, और इसके अलावा की पॉइंट क्या है, बंग भंग आंदोलन कब चलाइए? 7 अगस्त 1905 को। 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग का गठन किया गया, ये पॉइंट भी एक की पॉइंट है। आपको मैं एकदम कहते नहीं कि नोट्स का एक निचोड़ आपको दे रहा हूँ, चाहो तो आप नोट्स भी मेरे साथ में यहाँ वीडियो को रोक रोक करके आप बना भी सकते हो अपना नोट्स भी। आइए अगला पॉइंट दिखाते हैं। 1907 में दोस्तों कांग्रेस का विभाजन हुआ, और जिसको सूरत अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं, ये की पॉइंट है, इसको दिमाग में सेट कर लो। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल और गर्म दल में, जिसको सूरत अधिवेशन के नाम पर जानते हैं। 1905 बंगाल विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग का गठन, 1906 के बाद 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, किसमें? गरम दल नरम दल। नेता कौन कौन थे आपको अच्छे से पता, ये आपको दिया गया है। अगला आइए देखते हैं, उग्रवादी चरण कब से कब तक चला। दोस्तों उग्रवादी चरण की जब हम बात करते हैं तो उग्रवादी चरण की मैं चर्चा करूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। वीडियो पर यानी चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई डाउट रहा हो इस टॉपिक में वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। मिलते हैं उग्रवादी चरण से अगले टॉपिक में, ये आपका चरण रहेगा पार्ट 2, आपको अगले दिन मिलेगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।